रणवीर सिंह, जिनकी एक्टिंग और एनर्जी के हम सभी दीवाने हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे रणवीर सिंह और उनसे जुड़े हुए 20 अमेजिंग फैक्ट्स की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इकांश और आप देख रहे हैं इकांश फैक्ट्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रणवीर सिंह और सोनम कपूर दोनों कजन्स हैं, क्योंकि रणवीर सिंह की मॉम और सोनम कपूर की मॉम दोनों रियल लाइफ सिस्टर्स हैं। लुटेरा मूवी का सीन जिसमें रणवीर सिंह को गोली लगती है, उस सीन को परफेक्ट तरीके से करने के लिए रणवीर सिंह ने खुद की बॉडी में स्टेपलर लगा लिए थे, ताकि वो रियल पेन को फील और एक्सप्रेस कर सके। रवीना टंडन ने टिप टिप बरसा पानी की शूटिंग के टाइम रणवीर सिंह को सेट से बाहर निकलवा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि रणवीर सिंह उस टाइम बहुत छोटे थे और वो सॉन्ग उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी सेक्सी था, पर फिर भी बच्चा बिगड़ गया। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी में उन्होंने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें कोई भी गिफ्ट ना दें। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा, जिन पैसों का आप हमें गिफ्ट देंगे उन पैसों को आप चैरिटी में डोनेट कर दें, ताकि जिन लोगों को एक्चुअली उसकी नीड है वो उन तक पहुंच सके। रणवीर अपनी हर एक मूवी को थिएटर में खुद जाकर देखते हैं, जिसके लिए वो अपना लुक चेंज करके थिएटर में जाते हैं, ताकि वो अपनी एक्टिंग के लिए ऑडियंस के रिस्पॉन्स को फील कर सकें। स्कूल टाइम में रणवीर सिंह एक दिन अपनी क्लासरूम में छैया छैया सॉन्ग सुन रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। रणवीर सिंह ऐसे पहले बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने कॉन्डम का एडवर्टीजमेंट किया, क्योंकि रणवीर के अकॉर्डिंग मॉडर्न डेज में हेल्दी रिलेशनशिप को सेफ बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। डेडपूल में रणवीर सिंह ने अपनी आवाज सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो ऑन स्क्रीन खुलकर गालियां देना चाहते थे, और उस करेक्टर के अकॉर्डिंग वो अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते थे। बैंड बाजा बारात पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, पर रणबीर कपूर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से रणवीर सिंह को यह फिल्म मिली। और बॉम्बे वेलवेट पहले रणवीर सिंह को ऑफर की गई थी और डेट्स ना होने के कारण वो फिल्म रणवीर कपूर को मिली, और दोनों ही सूत्रों में रणवीर सिंह का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बैंड बाजा बारात बहुत बड़ी हिट गई थी और बॉम्बे वेलवेट बहुत बड़ी फ्लॉप गई थी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों सबसे पहले फाइंडिंग फैनी नाम की फिल्म में नजर आए थे, जिसमें रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के हस्बैंड के रूप में दिखाए गए थे। पद्मावत मूवी के टाइम रणवीर सिंह ने खुद को कई दिनों के लिए एक रूम में बंद कर लिया था, और मूवी के टाइम अलाउद्दीन का कैरेक्टर प्ले करते करते वो रियल लाइफ में भी खिलजी जैसे बन गए थे। इवन एक बार सेट पर जब किसी से गलती हो गई तो उनका मन उस पर्सन को जान से मार देने का करने लगा, और इस अग्रेशन को कम करने के लिए वो अपने पेरेंट्स को सेट पर लाया करते थे। बैंड बाजा बारात के टाइम जब करण जौहर ने रणवीर सिंह को शूटिंग टाइम में देखा, तब उन्होंने आदित्य चोपड़ा को ये वर्ड कहे थे कि ये लड़का ये रोल नहीं कर पाएगा। पर जब उन्होंने मूवी में रणवीर सिंह की एक्टिंग देखी तो वो खुद भी हैरान हो गए थे, और अपने वर्ड्स के लिए रणवीर सिंह से पर्सनली अपोलॉजी भी मांगी। रणवीर सिंह अपने स्टार्टिंग डेज में कॉपीराइटर का काम भी किया करते थे, जिसमें काम करते हुए उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड के लिए एडवर्टीजमेंट्स भी लिखे, और ऐसा करते करते वो बॉलीवुड डायरेक्टर शाद अली खान के काफी क्लोज आ गए, जिसके चलते वो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गए। और बाद में रणवीर पृथ्वी शो थिएटर में ड्रामा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लाइट मैन और यहाँ तक के झाड़ू मारने तक का काम भी किया है। रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी मूवी साइन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया था, जबकि उन्होंने अपने हिस्से का पैसा
मूवी की प्रोडक्शन में ही लगा देने को कहा। और बाजीराव मस्तानी की ग्रैंड सक्सेस के बाद भी उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन में से बार बार इंसिस्ट करने पर अपनी नॉर्मल सी फीस ली। रामलीला मूवी के किरदार को परफेक्शन से निभाने के लिए रणवीर सिंह गुजरात में रहने चले गए थे, जिससे कि वो गुजरात के कल्चर, लैंग्वेज और स्लैंग को अडॉप्ट कर पाए और उनकी मेहनत मूवी में भी नजर आती है। और तो और, मूवी के डायलॉग्स पहले पूरी तरह से हिंदी में होने वाले थे, पर उनकी अमेजिंग लर्निंग स्किल्स की वजह से मूवी के काफी डायलॉग्स को गुजराती में ही रखा गया। रणवीर सिंह को अडल्ट एक्स मैगजीन्स भी बहुत पसंद हैं, और जब भी वो किसी कंट्री में घूमने जाते हैं तो वहां से आते टाइम वो एक अडल्ट मैगजीन परचेज करके जरूर लाते हैं। रणवीर सिंह टिंकल कॉमिक बुक के कवर पेज पर भी नजर आए थे और उनके अकॉर्डिंग एक एक्टर के बच्चों की कॉमिक बुक में आना उनका एक सपना था। रणवीर सिंह के पैसों का हिसाब किताब उनके पिताजी रखते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह एक माइंड फ्री पर्सन है और उनके अकॉर्डिंग जब उनके डैड उन पर सारा पैसा लगा सकते हैं तो अब ये उनकी बारी है कि वो अपने डैड को भी कुछ रिटर्न में दे सकें, क्योंकि रणवीर सिंह के डैड ने उन्हें पढ़ाई के लिए, बाहर भेजने के लिए अपनी सारी सेविंग्स और यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया था, जिसके बाद उनकी फैमिली एक छोटे से घर में रहा करती थी। अपने स्टार्टिंग डेज में रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के बीच सब कुछ इतना ठीक भी नहीं था, क्योंकि गुंडे मूवी की शूटिंग के दौरान एक इंटेंस रूड सीन में रणवीर सिंह को प्रियंका को खींचना था, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा ही जोर लगा दिया और इससे पीसी को काफी हर्ट भी हुआ और उन्होंने ऐसे में मूवी तक करने से मना कर दिया था। बट इसकी अपोलॉजी में रणवीर ने पीसी को व्हाइट रोज देकर सॉरी बोला और उसके बाद दोनों दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी जैसी हिट मूवी में भी एक साथ नजर आए थे और फिलहाल वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी सबसे पहले चिंग मूवी की शूटिंग के टाइम एक दूसरे से मिले थे और उसी एड के टाइम रोहित शेट्टी रणवीर से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने रणवीर को सिम्बा मूवी ऑफर कर दी और रणवीर ने बिना स्क्रिप्ट सुने ही मूवी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि रणवीर सिंह रोहित की एक्शन मसाला मूवीज के बहुत बड़े फैन हैं। तो ये थे रणवीर सिंह और उनसे जुड़े हुए 20 अमेजिंग फैक्ट। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर।